सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, सब कैसे हैं? सभी अपना वर्क कर रहे हैं ना? साफ साफ करना अपना वर्क। हाँ बच्चों, आज मैं आपको पाठ सात का प्रश्न नंबर दो करवाने जा रही हूँ। क्या है प्रश्न नंबर दो, देखो। पेंटी पेंटी किसे और क्यों नक चढ़ी राजकुमारी कह कर पुकारती थी? पेंटी पेनी को हमेशा नक चढ़ी राजकुमारी कह कर पुकारती थी, क्योंकि वह दिन भर पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। किस लिए नकचढ़ी कहकर पुकारती थी? पेंटी पेनी को हमेशा नकचढ़ी राजकुमारी कहकर पुकारती थी, क्योंकि वह दिन भर पहियों वाले सिंहासन पर बैठकर हुक्म चलाती थी। ये तो था क। अब है प्रश्न नंबर ख। क्या है? वही चेयर पर बैठने के बाद पेंटी के साथ क्या क्या हुआ? वही चेयर पर बैठने के बाद पेंटी के साथ क्या क्या हुआ? पेंटी ने वही चेयर पर बैठकर स्कूल जाने की ठान रखी थी, यानी कि सोच रखा था कि आज मैं स्कूल वही चेयर पर ही जाऊंगी। वह जब वही चेयर पर बैठी तो उसने उसे बड़े ज़ोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद वह धड़ाम से नीचे गिर गई। न को क्या आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी। नीचे, धड़ाम से नीचे गिर गई। छोटी की मात्रा मत लगाना, बड़ी की। धड़ाम से नीचे गिर गई। गिरने के बाद उसके घुटनों पर काफ़ी चोटें आई और वह सहम गई। पेंटी ने व्हील चेयर पर बैठकर स्कूल जाने की ठान रखी थी। वह जब व्हील चेयर पर बैठी तो उसने उसे बड़े ज़ोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद वह धड़ाम से नीचे गिर गई। गिरने के बाद उसके घुटनों पर काफ़ी चोटें आई और वह सहम गई। ये था प्रश्न नंबर टू, यानी कि ख। अब है प्रश्न नंबर थर्ड। पेंटी अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती थी? वह गलत कैसे साबित हुई? वह क्या सोचती थी अपने माता पिता के बारे में, वो बताना है, फिर वह गलत कैसे साबित हुई। तो चलिए, इसका आंसर है, लिखिए, पेंटी हमेशा शह को आ की मात्रा आएगी, अपने माता पिता के बारे में यह सोचती थी कि उसके माता पिता पेनी को ज़्यादा प्यार करते हैं। पेंटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में यह सोचती थी कि उसके माता पिता पेनी को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे कम। अब जब वह खुद गिरी तो उसके मन में यह विचार आए कि वह चल फिर न सकने के कारण उसके मम्मी पापा उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। है पर आएगी बिंदी, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए वह अपनी सोच में ही गलत साबित हो गई। देखिए फिर से इसका आंसर। पेंटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में यह सोचती थी
कि उसके माता पिता पेनी को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे कम। जब वह खुद गिरी तो उसके मन में यह विचार आए कि वह चल फिर न सकने के कारण उसके मम्मी पापा उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए वह अपनी सोच में ही गलत साबित हो गई। अब देखिए प्रश्न नंबर फोर क्या है। पेनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था? पेनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसे सिंहासन समझती थी और उस पर बैठकर अपने आप को राजकुमारी समझती थी। पेनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसे सिंहासन समझती थी और उस पर बैठकर अपने आप को राजकुमारी समझती थी। कहानी के अंत में पेनी के विचारों में क्या बदलाव आया? कहानी के अंत में पेनी के विचारों में यह बदलाव आया कि उसकी बहन के लिए नकचढ़ी राजकुमारी नाम सही नहीं है। ठीक है, ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर। एक बार फिर से देख लीजिए। पेनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था? पेनी को व्हील चेयर पर बैठना इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसे सिंहासन समझती थी और उस पर बैठकर अपने आप को राजकुमारी समझती थी। कहानी के अंत में पेनी के विचारों में क्या बदलाव आया? यानी कि अपनी बहन के लिए सोच रही थी कि जो नाम है नकचढ़ी राजकुमारी वो नाम अब उसके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में उसके प्रति दया आनी शुरू हो गई थी, इसलिए। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। ये है फर्स्ट प्रश्न पार्ट सॉरी प्रश्न नंबर दो का फर्स्ट प्रश्न। नीचे है सेकंड प्रश्न। व्हील चेयर पर बैठने के बाद पेनी के साथ क्या क्या हुआ? फिर है थर्ड प्रश्न। पेनी अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती थी? वह गलत कैसे साबित हुई? ये तीन प्रश्न हैं जो आज, वैसे मैंने आपको सभी प्रश्न उत्तर करवा दिए, टोटल ये पांच हैं, पांचों के पांचों मैंने आज आपको करवा दिए हैं। पेनी को व्हील चेयर पर बैठना पसंद क्यों था? कहानी के अंत में पेनी के विचारों में क्या बदलाव आया? तो ठीक है बेटा, ये काम आप अपनी इसी ऑब्जर्वेशन बुक में करोगे। ऑब्जर्वेशन बुक में ही सभी क्वेश्चन आंसर करने हैं, नोटबुक में कोई भी काम नहीं करोगे। ठीक है, साफ साफ सुंदर राइटिंग में करना। अब आपको प्री मिड टर्म सेकंड का भी सिलेबस जल्द से जल्द दे दूंगी। प्री मिड टर्म सेकंड का सिलेबस, उसके हिसाब से आप अपने पेपर की तैयारी करना। तो कल मैं आपको प्रश्न नंबर थ्री करवाऊंगी। प्रश्न नंबर थ्री क्या है? किसने कहा? ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बुक में है। अब जो काम चल रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन बुक में ही चल रहा है। किसने कहा, किससे कहा, ये है प्रश्न नंबर थ्री जो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न नंबर
श्री। धन्यवाद।